जी सभी को कैसे हैं सब। और काफी टाइम हो गया मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि ना मेरा मन नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन आज अभय आ रहा है तो आज मुझे ना अच्छा लग रहा है। उसके पैर में चोट लग गई थी तो मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी कुछ भी करने का, तो इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना रही थी। तो उसके आने की खुशी में आज मैं कुछ मीठा बना रही हूँ, तो चलो सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। तो मैं आज बना रही हूँ माइक्रोवेव में नान खटाई और गैस। तो चलिए बनाते हैं नान खटाई, देख लेते हैं क्या क्या सामान चाहिए, और जब अब आएगा आपको भी मिलवाऊंगी, कहाँ चोट लगी है वो भी आपको दिखाऊंगी। तो नान खटाई बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन, और ये है बूरा, और ये है बेकिंग सोडा, थोड़ा सा नमक, ये बादाम सजाने के लिए, और ये है देसी घी, आप रिफाइंड से भी बना सकते हैं। और 2 चम्मच मैं सूजी लूंगी, तो मैंने पूरा डब्बा ले लिया, अभी 2 चम्मच इसमें डाल लूंगी। तो मैं ये इसको घोल लूंगी सारे सामान को। तो घोलने से पहले मुझे क्या करना है, वेव को भी प्री हीट करना है 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए। माइक्रोवेव मैंने ऑन कर दिया, प्री हीट हो रहा है ये। अब हमने ये एक कटोरी बूरा लिया है, और इसी के साइज की एक कटोरी है, तो इससे घी लेंगे हम। तो बूरा मैं इसमें डाल लूंगी, बूरा में थोड़ी गुठली है मुझे छानना पड़ेगा इसको। बूरा में जो चीनी सी थी वो निकल गई है सारी। मैं इस वाली कटोरी से, जो एक कटोरी है, इससे नाप के घी ले लूंगी एक कटोरी। और घी बहुत ज्यादा टाइट भी ना हो और बहुत ज्यादा ऐसा भी ना हो गर्म है। देखो जितना मैंने बूरा लिया था उतना ही घी ले लिया है। घी को हम इसमें डाल देंगे, घी को हम डाल लेंगे इसमें। मिक्सर की मदद से अच्छे से घी को और बूरा को मिक्स कर लेंगे। ये हमें थोड़ा सा फेंटना है 5 मिनट, ताकि ये थोड़ा फ्लफी सा हो जाए। जब घी गर्म हो जाएगा फिटते फिटते, तो ये अपने आप थोड़ा सा क्रीमी सा टेक्सचर ले लेगा, क्योंकि तो ठंडा है तो घी थोड़ा सा जम रहा है। देखो अब ये फेटते फेटते ऐसा हो गया, देखो क्रीमी सा हो गया है। अब हम इसमें छान लेंगे बेसन। बहुत लोग मैदा से बनाते हैं, लेकिन मैंने मैदा से नहीं बनाई है, मैं बेसन से ही बनाऊंगी। और इसमें 2 चम्मच डालूंगी सूजी, 1 चम्मच, ये 2 चम्मच बस। इसी में डाल लूंगी मैं ये 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा और 1/2 चम्मच नमक। इसको अच्छे से इस पे छान देंगे। ये मैंने इस पे इसलिए लगाया है क्योंकि इसमें काफी घी लगा हुआ है, तो वो घी लग के इस पे फूट जाएगा, नहीं तो ये हाथ की मदद से ही मिक्स करना है। इस तरह आप इसको अच्छे से गूंथ लेंगे जैसे आटा लगाते हैं। और अगर आपको लगे कि ये ज्यादा सूखा है तो इसमें आप थोड़ा सा घी और डाल सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। पहले अच्छे से मिला ले, क्योंकि हाथ की गर्माहट से घी पिघल जाएगा, तो वो अच्छे से गुथ जाएगा। इतना ये जो मेजरमेंट है इससे गुथ जाता है ये अच्छे से। तो कितना अच्छा हो गया। जब कुछ काम करते हैं तो फैल तो जाता ही है। देखो जब हम इसके ऐसे इसको ऐसे बांध के देखेंगे
तो देखो ये बिल्कुल बढ़िया इसका पेड़ा सा बन रहा है, तो आप इस तरह का आटा लगा लें इससे। पहले पेड़े बना लेते हैं, फिर माइक्रोवेव में भी रखेंगे। देखो इसमें मेरे 8 पीस बन गए हैं, और अभी भी मेरे पास ये 2 बच गया है, तो पहले ये बन जाएंगे, उसके बाद मैं इसका बनाऊंगी। देखो मैंने 20 मिनट का टाइम लगा लिया है, और प्री हीट है मेरा ओवन, 10 मिनट मैंने प्री हीट कर लिया है, तो देखो बहुत गर्म हो रहा है, तो इसमें ही मैं ऐसे ही इसको प्लेट को रख दूंगी, इसको बंद कर दूंगी और इसको मैं ऑन कर दूंगी। ये चल गया है, 20 मिनट में ये भी बन जाएगी, फिर मैं इसी में दूसरा बैच बना दूंगी। मोस्ट बन गई हैं, मैं भी आपको खोल कर दिखाती हूँ। देखो कितनी अच्छी बनी है ना, अभी निकाल लेती हूँ इनको बाहर, 1 मिनट, गर्म है प्लेट। देखो कितना परफेक्ट कलर बना है, और अभी दूसरी प्लेट में मैंने दूसरा बैच रख दिया है, तो इसको भी मैं रख दूंगी यहीं पे, इसमें ये हो जाएगा कुक, और बाकी क्योंकि उस वाली प्लेट को अभी नहीं खाली कर सकते, तो इसमें मैं टाइम बढ़ा दूंगी, और अभी ये हो जाएगा शुरू। देखो सेकंड टाइम की नान खटाई भी बन के तैयार हो गई है, अब मैं माइक्रोवेव को कर दूंगी बंद, और इसको थोड़ी देर के लिए इसमें ही छोड़ दूंगी। वैसे बन के तैयार हो गई है, लेकिन फिर भी मैं अभी माइक्रोवेव गर्म है तो थोड़ी देर के लिए इसमें ही छोड़ देती हूँ और बंद कर। कितनी थोड़ी सी मेहनत में देखो कितने कम सामान में हमने 2 प्लेट नान खटाई बना ली है, और मीठा भी हो जाएगा और घर का है, स्वादिष्ट है, और हमें पता है कि हमने कैसे घी तेल में बनाया है, तो बच्चों को ऐसे ही आप बना के दे सकते हैं, और इन्हें गैस पे बनाना भी इतना ही आसान है। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊंगी तो गैस पे आपको बना के दिखाऊंगी, माइक्रोवेव के बिना भी ये इतनी अच्छी बनती है। लो जी नान खटाई तो बन के हो गई है डन, बस अब आ जाए खाने के लिए, और देखो कितनी प्यारी बनी है, टेस्ट तो अब बताएगा आके कैसा बना है, उसी के लिए बनाइए। और एक एक पीस इतना अच्छा बना है, देख सकते हैं आप, देखो अभी मैं आपको एक पीस तोड़ के दिखाती हूँ, देखो एकदम ब्राउन कलर है हल्का सा, और पीस देखो कितना, देखो कितना बढ़िया, बस जो मुझे आता था वही बनाया है। बेटा आएगा तो उसको भी लगना चाहिए ना कि भाई मम्मी ने कुछ बनाया मेरे लिए, और उसकी पसंद की क्या, जो उसने बोला वो सब्जी बना रखी है और मीठे में ये बना दिया है, कल कुछ और बनाऊंगी, तो अब इतने वो जितने दिन भी रहेगा ना कुछ नया नया सब बना के खिलाऊंगी उसको। बड़ी याद आ रही तेरी मुझे। लगवाता रहा चोट चोट, चल हाथ धोले बैठ, दिखा कहाँ लगी है चोट। देखिए इसके मुकाबले तो ये कितना मोटा हो रहा है, दिखाना पड़ेगा ये तो डॉक्टर के, दोबारा से घुमाइए पड़ेगा।
बेटा बहुत ज्यादा सूझ रहा है। पापा को दिखाऊं? लो बच्चे खाओ आराम से। मक्खन इसमें से ले लिया, सब्जी में डाल लिया, पराठे पे रखा है, जब तेरे जी करे। दूध है, अचार, नान कटाई। कैसी बन रही? मस्त एकदम। देखा, घर की चीज घर की हो, बिल्कुल प्योर। मैंने मैदा नहीं गेरा, बस बेसन बेसन की बनाई है। बाजार वाले अपना मक्का का आटा भी गेरते हैं हलवाई, तो वो कड़वी सी हो जावे। पास हो गई है, नान खटाई खा लिया मेरे बाबू ने, मेरा बच्चा। मम्मी तो कहीं नीची हो गई है। हाँ चल कोई बात नहीं, मेरे बाबू से अब आराम कर लिया। हाँ ओके, तो चलिए जी, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मैं भी अबे के साथ बैठ के बातें करूंगी थोड़ी सी। बहुत दिन में आया, कई महीने में आया, और मैं भी अपने लिए कॉफी बना रही हूँ, एक ब्लैक कॉफी, इसके साथ बैठ के पीऊंगी और बातें करेंगे दोनों। ब्लैक कॉफी के लिए मैंने लिया 1 चम्मच कॉफी, और इसमें डालूंगी गरम पानी। मेरी कॉफी बन के तैयार है, टनाटन एकदम झाग वाली। तो जब तू इस लोअर को पैर गया तो तुझे तो पता लग गया होगा कि आज तो गलती कर दी। हाँ ट्रेन में क्या ऑटो में बैठा तभी पता मतलब कोटा में पता लग गया, आगे बढ़ती। अरे मुझे गल्ले गल्ले टट्टे हाथ लगा दिया मैं, क्या अबे सो गया था। क्यों रहा है भाई? बेटा कौन है बेटा? चलो ये कम इतना मोटा क्यों है चेची? ठीक तो? अच्छा बताओ अभी। हाँ क्यों? चलो सोने दे भाई को थोड़ी देर। अब क्यों सोएगी यहाँ पे? क्यों सोएगी? देखो आते ही शुरू हो गई है दोनों बहन भाइयों की लड़ाइयाँ। देख सकते हैं आप कैसे लड़ रहे हैं दोनों। देखने के लिए धन्यवाद।